हेलो एवरीवन मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और आप लोग देख रहे हैं हंड्रेड परसेंट चायल तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से यहां पर अब हम लोग भैया बहुत टाइम से एमपीडीटी की काउंसलिंग में फंसे हुए थे अब हम वहां से निकल चुके हैं दोस्त और अब हम सीधे आ गए हैं उड़ते हुए बैंगलोर सॉरी बेंगलोर चेन्नई तमिलनाडु केरला कर्नाटका मतलब कि अब हम साउथ में आ गए बेसिकली और अभी हम कॉमेड के की बात करेंगे यानी कि कर्नाटका की बात करेंगे कॉन्सोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल साइंस बेसिकली कॉमेड के ऑफ कर्नाटका तो यहां पर कॉमेड के की बात होने वाली है यहां पर कॉमेड के के यानी कि कर्नाटका के जो टॉप कॉलेजेस हैं। आज हम उनकी बात करेंगे जिसमें हम इंडिविजुअल कॉलेजेस कवर करने पा हैं तो सबसे पहले यहां पर जो कॉलेज आ रहा है वो आ रहा है आप लोगों के सामने एम एस आर आई बैंगलोर यानी कि रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसे बोला जाता है तो भाई साहब रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉलेज है जो सबसे पहले तो पहले नंबर पर खड़ा हुआ है बेंगलोर के अंदर ठीक है उसके बाद इस कॉलेज की रेप्यूटेशन भाई साहब इतनी जबरदस्त है इतनी जबरदस्त है कि बच्चे जो है वो गिर गिर पड़ते हैं इस कॉलेज में जाने के लिए मर मर पढ़ते हैं इस कॉलेज में जाने के लिए इस कॉलेज में जाने के लिए क्या होता है कि इन कॉलेज की जो वेबसाइट्स पे आप देखोगे तो एक देखना मैनेजमेंट सीट का कोटा भी होता है तो मतलब लोग पचास पचास लाख साठ साठ लाख सत्तर सत्तर लाख जो है वहां पर जाकर फीस देते हैं डोनेशन देते हैं तब जाकर यू नो कहीं पर इन लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है जो रैंकिंग पर मिलता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन जो रैंकिंग से नहीं ले पाते हैं अगर हम उनकी बात करें तो भाई साहब उनके लिए मैनेजमेंट कोटा खुला हुआ है उनके लिए डोनेशन वाला काम जो है वो खुला हुआ है आगे अगर हम यहां पर बात करते हैं इसकी हाईलाइट्स की तो भाई साहब रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका नाम है ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इसका 1962 है ओनरशिप जो है वो प्राइवेट है प्राइवेट मतलब ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस का भैया सीधा सीधा मतलब ये होता है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ अपने कॉलेज के अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता हूँ उसके अंदर लैब्स बढ़ाना चाहता हूँ उसके अंदर अदर सर्विसेज बढ़ाना चाहता हूँ फैसिलिटीज बढ़ाना चाहता हूँ फैकल्टीज बढ़ाना चाहता हूँ तो भाई साहब मैं स्वतंत्र हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस कॉलेज का ये मेरा कॉलेज है मैं इसके अंदर कुछ भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से चेंजेस ला सकता हूँ मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट कॉलेजों की तरह अगर हम यहाँ पर कैंपस साइज की बात करें तो भाई साहब सत्ताईस एकड़ का यहाँ पर कैंपस साइज आपको मिल जाएगा मोड ऑफ काउंसलिंग जो है वो आपको कॉमेड के यानी कि कॉन्सोडियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल डेंटल कर्नाटका या तो आपको देना पड़ेगा या फिर कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपको यहां पर देना पड़ेगा के का मतलब यह है एग्जाम एक्सेप्टेंस जो है वो कॉमेट के यू आपको देना पड़ेगा अगर आप लोगों को यहां पर जाना है तो भाई साहब आप ये मान के चलो कि एवरेज पैकेज जो आपको मिलने वाला है यहां पर लगभग लगभग साढ़े सात से आठ लाख रुपए का एवरेज पैकेज आपको मिलने वाला है एंड टोटल फीस इस इंस्टीट्यूट की नौ से दस लाख रुपए जो है वो आपको पढ़ने वाली है भैया वही की वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको बताया था उन्नीस सौ बासठ में बना है ऑटोनोमस प्राइवेट कॉलेज है पैंतीस हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स जो है ये कॉलेज दे चुका है और इसकी जो रैंकिंग है एनआईआरएफ के मामले में भाई साहब पैसठ नंबर पर ये खड़ा हुआ है पैसठ नंबर पर इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो Uh, जैसे इसने लिखा हुआ है कि आर आई टी बैंगलोर हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स तो उसका क्या मतलब है कि क्या होता है कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं यू नो जहां पर वही का वही घिसा पिटा कोर्स जो है वही का वही घिसा पिटा राग जो है वो अलापा जाता है लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट है रमैया इंस्टीट्यूट इसकी एक खास बात यह है कि हर साल नया कोर्स जो है वो यहाँ पर आता है या फिर ये बोलें कि पुराना तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं साथ में जो चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं तो अपडेटेड कोर्स जो है वो यहाँ पर आने लगा है या यूं बोलना चाहिए कि यहाँ पर पढ़ाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो नए बच्चे यहां पर ज्वाइन हो रहे हैं उनको नई नई टेक्निकलिटीज के बारे में पता पड़े नए नए कोर्सेज के बारे में पता पड़े नए नए सब्जेक्ट्स के बारे में पता पड़े भैया क्या मान लो पहले पेजकस से हम लोग कसते थे अब ड्रिल मशीन आ गई है तो भाई जो नए लोग हैं उनको फिर ड्रिल मशीन के बारे में सिखाया जाता है कि ड्रिल मशीन से भी भैया नट कसे जाते हैं या फिर अंदर छेद करके उसके अंदर यू नो नट बोल्ट डाले जाते हैं तो नई नई चीजें जो है ये लोग अपना कोर्स जो है वो अपडेट करते रहते हैं लेटेस्ट मशीनरी के बारे में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में लेटेस्ट हार्डवेयर के बारे में मतलब इंजीनियरिंग की ब्रांच

सिविल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 9,508 से लेकर 12,380 पर गया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 380 से लेकर 570 तक गया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो एक से लेकर दो तक गया है एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो चार से लेकर सात हजार गुनबे तक गया है यानी कि अगर हम इसकी सी वाली जो ब्रांचेज होती है इनकी अगर हम बात करें तो भाई साहब ये ना आपको हजार नंबर पर भी नहीं मिल पाएंगी उससे भी नीचे अगर आपको यू you नो know, अगर आपको ये ब्रांच चाहिए तो उससे भी नीचे की कहीं ना कहीं आपको रैंकिंग लाना पड़ेगी नंबर लाना पड़ेंगे तब जाकर आपको ये जो कॉलेज है ना ये सी वाली जो ब्रांच है वो मिल पाएगी यहाँ पर मतलब इतना टफ कॉम्पिटिशन इस कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो कहीं ना कहीं भाई साहब पढ़ाई तो है वो जबरदस्त करनी ही पड़ेगी बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा उसके अलावा अगर आपको ये कॉलेज लेना है तो ये 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 लगता है भाई साहब रोकड़ा लगता है लपक के अगर हम यहाँ पर बात कर लें इंस्टीट्यूट की फीस की तो भाई साहब आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ईयर की फीस लिखी हुई है उसके बाद दूसरे ईयर की फीस लिखी है तीसरे ईयर की फीस लिखी है और चौथे ईयर की फीस लिखी है सब कुछ मिला जुला के टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं नौ लाख पच्चीस हजार ये नौ लाख उन्नीस हजार ये टोटल करके और यहाँ पर आपकी जो उसकी फी होती है टोटल यूनिवर्सिटी की फी होती है सबको मिला जुला के आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि लगभग लगभग नौ से दस लाख रुपए का जो खर्चा है वो आपका सिर्फ फीस ही फीस में बैठने वाला है बाकी तो जो खर्चे हैं वो तो अलग हैं ही भाई वहाँ पर जाओगे पढ़ोगे घूमोगे फिरोगे खाओगे पियोगे और भी बहुत सारी चीज़ें करोगे तो उसका जो पैसा है भाई वो सब तो अलग लगेगा ही लगेगा ये सिर्फ यहाँ पर फीस की बात हो रही थी अगर हम यहाँ पर प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो भाई साहब प्लेसमेंट पैकेज की बात हम थोड़ा सा बाद में करते हैं मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ अच्छी मुझे याद आ गई कि अगर आप इस कॉलेज के अंदर जाते हैं तो इस कॉलेज के अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस कॉलेज के अंदर ना अलग अलग तरीके के क्लब्स मिल जाएंगे या फिर यूँ बोलूँ कि अलग अलग तरीके के लोगों के बनाए हुए एक यू नो ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप लोग जाकर जुड़ सकते हो परफॉर्म कर सकते हो सिंगिंग के अलग क्लब्स मिलेंगे आपको डांसिंग के अलग मिल जाएंगे आपको यहाँ पर बाइकर्स के अलग क्लब मिल जाएंगे यहाँ पर यू you नो know, अलग अलग तरीके के कल्चर के लोग आकर क्लब करते हैं क्लब करने के बाद अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं अलग अलग तरीके के इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर यू uh, नो you know, करवाए जाते हैं एक उद्भव करके यहाँ पर एक बहुत फेमस इवेंट होता है जो कि यू नो इट इज़ वेरी फेमस इन इंडिया अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो उसके बारे में सर्च करना वो यहाँ पर यहाँ का एक वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपका कोई यहाँ पर यू नो इंटरेस्ट का कोई क्लब है नहीं तो आप बना भी सकते हो जाके कि भाई साहब मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है और कितने लोगों को यहाँ पर इंटरेस्ट है आ जाओ मैं तबला बजाता हूँ मुझे तबला क्लब चाहिए तो जितने भी लोग यहाँ पर तबला वबला बजाने वाले होंगे या गिटार बजाने वाले होंगे गिटार क्लब बना सकते हैं आप तो अलग अलग तरीके के क्लब्स जो हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द कॉलेज जो सिर्फ आपको अकेडमिकली ही नहीं आगे बढ़ाएगा वो आपको यू नो टैलेंट वाइज आपको आप म्यूजिक में अगर आपका टैलेंट है तो वो आपको उसमें आगे बढ़ाएगा अगर आपका टैलेंट स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा मतलब ऑल इन ऑल अगर आप एक यू you नो know, सिर्फ पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं ये कॉलेज जो है पुश करेगा कि नहीं यार दूसरी चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करो आगे बढ़ो आपकी जिंदगी है ये जिंदगी को जियो और पूरी तरीके से जियो उसके बाद यहाँ की फैकल्टी की अगर हम बात करें दोस्तों तो फैकल्टी जो है मतलब स्टूडेंट रिव्यूज से बता रहा हूं मैं क्योंकि मैं तो कभी गया नहीं पढ़ने तो स्टूडेंट जो रिव्यूज देते हैं वो ये देते हैं कि यहाँ की जो फैकल्टीज हैं एक तो वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं क्योंकि भैया कहीं ना कहीं अगर जबरदस्त लेवल का कॉलेज है तो फैकल्टीज तो जबरदस्त होंगी बट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन लेवल ऑफ द फैकल्टीज़ इट इज़ ऑल्सो अबाउट देयर फ्रेंडली नेचर एंड बिहेवियर मतलब कि यहाँ की फैकल्टीज जो हैं वो इतनी ज़्यादा फ्रेंडली हैं बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं यार अब आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो ऐसा लगेगा आपको यार टीचर जो हैं मेरे ही हैं मेरे भाई हैं मेरे बंधु हैं मेरे यार हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके की फैकल्टीज यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी जो कि आप लोगों को पुश करेंगी और ज़्यादा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और भाई साहब अगर एक अच्छा गुरु आपको मिलता है तो वही एक अच्छा ज्ञान दे पाएगा और आपको बहुत आगे तक जो है ले जा पाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट पे कैंपस की बात करें तो भाई साहब कैंपस जबरदस्त है शानदार है खूबसूरत कैंपस खुँ। है मतलब यह मान के चलो कि जबरदस्त हरियाली भी है जबरदस्त फैसिलिटीज भी है जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी है कहीं ना कहीं यह कॉलेज जो है एक यू you नो know, uh, एक ब्यूटी है अपने आप में यू you नो know, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये अपने आप में एक ब्यूटी है और इसके अंदर जाने के लिए बच्चे मरते क्यों हैं इनके जो रीजंस हैं वो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है इसका रीजन ये भी है कि यहाँ पर प्लेसमेंट जो है वो बहुत तगड़ा मिलता है तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो अब हम वापस आ जाते हैं प्लेसमेंट के ऊपर अगर हम प्लेसमेंट की यहाँ पर बात करें तो भाई साहब यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज जो है वो गया हुआ है लगभग लगभग पचास लाख रुपए का तो पचास लाख रुपए बहुत होते हैं मतलब आप ये समझ लो कि एक साल में पचास लाख रुपए का पैकेज यहाँ पर गया है तो आपकी फीस तो तो वो कवर ही हो गई और मान लो कभी आपने अगर डोनेशन देके भी एडमिशन लिया होगा या मैनेजमेंट कोटे में जो बोलना चाहिए कि मैनेजमेंट कोटे में अगर आपने यहाँ पर आप एडमिशन लिया होगा तो वो पूरा आपका कवर हो गया अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर अगर आप एवरेज पैकेज देखेंगे तो एवरेज पैकेज भी यहाँ पर लगभग लगभग साढ़े से आठ लाख रुपए का एवरेज पैकेज जो है वो आपको मिल जाता है विच इज़ वेरी गुड क्योंकि भाई साहब ये जो कॉलेज है ये जो कॉलेज है ये बेहतरीन इंडिया के बेहतरीन कॉलेज में से एक है एंड हम सबको पता है यार कि साउथ साइड के कॉलेजेस ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं और वहाँ की पढ़ाई का लेवल जो है वो अलग ही होता है अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टॉप रिक्रूटर्स की तो भाई साहब यहाँ पर एडॉब या एडोबी जो भी बोलते हैं लोग इसको वो यहाँ पर आ चुका है उठाने के लिए कैप जेमिनी कंपनी यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर गूगल जो है वो ले जा चुका है बच्चों को एंड अपार्ट फ्रॉम देट यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज आती हैं यार जिनका मतलब नाम जो है वो यहाँ पर नहीं दिया बट मैं आपको बता देता हूँ इन्फोसिस है विप्रो है छोटी छोटी कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर गूगल गूगल के अलावा यहाँ पर अल्फाबेट है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है भाई जिनका नाम माइक्रोसॉफ्ट है हम लोग नहीं मतलब पर्सनली कई बार ऐसी कंपनीज होती जो हम नहीं जानते हमें जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं होता ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर आकर जो है प्लेसमेंट देकर जा चुकी हैं बच्चों को तो दोस्तों अगर आप लोगों को इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है तो एक नॉर्मल कट ऑफ जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो स्पेशलिटीज़ है वो सारी की सारी हम कवर कर चुके हैं सारी की सारी हाईलाइट्स जो हैं वो हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और अच्छी चीज़ जो है कि इस कैंपस के अंदर आप लोगों को फैकल्टीज के साथ यू you नो know, कोई हिचक कोई झिझक ये सब महसूस करने की जरूरत नहीं है दे आर वेरी फ्रेंडली दे आर वेरी सपोर्टिव और वो कहीं कही ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे थे रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में एंड यहाँ पर अगर आप लोगों को ये कॉलेज जो है अच्छा लगा हो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जोरदार लाइक जोरदार शेयर और जोरदार शेयर होता है लाइक होता है और सब्सक्राइब होता है तो जोरदार सब्सक्राइब जो है वो भी कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर मी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में बता देना मैं वो भी कवर कर दूंगा और अगर आप चाहते मैं किसी और टॉपिक पर आकर आप लोगों के लिए कुछ नया बनाऊं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता देना तो वो भी मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा तो थैंक्स अलॉर्ड फॉर वॉचिंग मी मैं हूं अर्पित कुमार शर्मा आप लोग देख रहे थे हंड्रेड परसेंट ट्राइल इसी तरीके से बने रहिए एंड देखते रहिए लव यू ऑल चेक एंड आस्ता बाय